प्रणाम, कैसे हैं आप? तो आज है सैटरडे और श्रेयांश बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि उसे बाहर जाना है घूमने। बाहर का वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ आपको दिख रही होगी, क्योंकि कल स्नोफॉल हुआ था, रात को भी हुआ था और अभी शायद हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की बारिश जैसी लग रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन वेदर अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चले बाहर और बाबू को घुमा के लाते हैं, उसको थोड़ा सा इंजॉय करवा के लाते हैं, क्योंकि वीक में सैटरडे और संडे ही होता है जब हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन स्कूल रहता है, हस्बैंड का ऑफिस रहता है। तो आज का दिन है, हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा सा बाहर और लेके चलती हूँ मैं आपको और दिखाती हूँ कि हम पूरे दिन क्या क्या करेंगे। स्टे ट्यून, चलिए फिर। सांस ले पा रही हूँ ऐसा लगता है। तो अब हम लोग आ गए हैं, अब जाएंगे मॉल के अंदर, क्योंकि अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो इनको लेके जाना है। आज इनका दिन है, आज है ईद का दिन, है ना? से हाय। हाय, लेट्स गो। कम 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 कम। तो बस यही सारी चीज़ें देखकर श्रेयांश यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इस तरीके का झूला वगैरह बना हुआ है, बहुत सारी खेलने की चीज़ें हैं, बहुत खेलने के बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सामान हैं, इस वजह से ये यहाँ पर आना पसंद करता है और खुश हो जाता है। और मैं जिसको खुश होती हूँ देख कर, वो है ये सेफोरा। तो ये ब्रांड देख कर मुझे खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये है अंदर का नज़ारा जो कि कुछ इस तरीके का है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, हेलो ब्यूटीफुल इस तरीके से जो लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पर देखिए ये इतने सारे ये एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं राइडिंग के लिए, तो इस वजह से श्रेयांश यहाँ पर आता है। आर यू रेडी? तो ये है वो चीज़ जिसके लिए श्रेयांश इस मॉल में आते हैं, इनको इस जो एनिमल पे राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला जो राइड है ना, आपको थोड़े देर के लिए रेंट पर लेना रहता है, वहाँ पर टाइमिंग मेंशन किया रहता है कि कितने पैसे में आपको, डॉलर में कितने डॉलर में आपको कितने देर के लिए मिलेगा, तो आपको लेना रहता है। और उस पर बच्चों के साथ एक पेरेंट्स को भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल जो होता है ना वो थोड़ा संभल कर करना पड़ता है, बिल्कुल बाइक की तरह ही आप उसे चला सकते हो। देन श्रेयांश ने देख लिया था किसी बच्चे के पास एक गाड़ी, और उसके वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान था कि वो गाड़ी जहाँ मिल रहा है मुझे भी ख़रीद के दो। बट पूरे मॉल में घूमने के बाद भी वो गाड़ी नहीं मिला, क्योंकि वो बच्चा अपने घर से लेकर आया था उस गाड़ी को। और यहाँ पर मुझे दिखी बॉबी ब्राउन का सेक्शन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। और यहाँ पर है कुछ टॉय वगैरह जो कि इतने ज़्यादा क्यूट क्यूट लग रहे थे। अगेन यहाँ पर फिर ये गाड़ी पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे गाड़ी, ऐसे ऐसे राइड्स, बच्चों के खेलने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि बच्चों के लिए ही सेटअप किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर आपको ना मतलब 3-4 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं खेलने के लिए, तो वो नीचे ना खेलने का एक जगह है, बहुत अच्छे से सारे बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेटअप किया गया है बच्चों के लिए ही किया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, जब भी हम इवनिंग में जाते हैं हमारे पास टाइम होता है तो श्रेयांश को लेकर, और श्रेयांश बहुत खेलते हैं वहाँ पर, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अमेरिका में मतलब ये वाली जो मॉल है, मुझे अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और भी ऐसे शायद होंगे, मैंने अभी तक मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि नहीं हूँ तो जाऊँगी ज़रूर। पूरा घूम घूम के नहीं, इतना ज़्यादा पैर में अब दर्द हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं वापस घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जाना है, खाना भी बनाना है। ओह
मोशन ट्रक से आप गिर जाएंगे। हाँ। सकता है। हाँ। ओके। तो आपको गाड़ी कहाँ चलाना है, इंडिया में किधर चलाना है? तो अब निकल चले हम लोग वापस घर की तरफ। और यहाँ देखिए, ये रहा हमारा बिल्डिंग, ये पूरा पूरा हमारा अपार्टमेंट, और इसके जस्ट ऑपोजिट में है ये मॉल। तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हमने कहा कि चलो वॉक करके ही चलते हैं। क्या गाड़ी निकालना, फिर क्या गाड़ी से जाना, क्योंकि इतना सामने है ये घर, ये मॉल, बस यहीं पर हमें आना था। तो अब घूम लिया बहुत ज़्यादा, घूम घूम के इतना बड़ा मॉल था कि मतलब पैर में दर्द हो गया। तो अब चलते हैं वापस। पहुंच गए घर, मतलब मुझे लगता है 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा, कूद के इधर और कूद के इधर, बस इतना ही टाइम लगा हमें घर वापस आने में। आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी मैं आप लोग के लिए ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँ। कमेंट कीजिएगा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।